Hey guys, welcome to the अंदर ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं अमीनाबाद। अमीनाबाद जो है लखनऊ की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी मार्केट है। तो आज यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, कुछ सामान लेना है तो सामान भी लेंगे यहाँ पे। तो चलिए साथ में चलते हैं। और यहाँ पे जाम, इतना ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़। यहाँ का जो क्राउड है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल, हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। तो चलेंगे आज घूमते हैं अमीनाबाद मार्केट में और एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हो टुंडे कबाब की दुकान, यहाँ की बहुत फेमस है। यहाँ पे अमीनाबाद में टुंडे कबाब हो गया और आपका चिकन के कपड़े हो गए। तो चिकन के कपड़े का तो यार लखनऊ हब ही है, लखनऊ में ही बनता है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बिक्री होती है उसकी, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे बिकता है। तो चलते हैं, घूमते हैं इधर और देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़। और जो शादी का सीज़न होता है ना, बाप रे खतरनाक। मतलब अभी तो कुछ नहीं है भीड़ उसके सामने। ये इधर देख रहे हो गाइस, सारी जितनी भी दुकानें आपको दिखेंगी सब जो है चिकन के कपड़ों की हैं। तो गाइस ये गली से निकले टुंडे कबाब की, दूसरी गली में आपको तो ढेर सारे चिकन के शॉप्स दिखा, चिकन के कपड़ों के शॉप्स। तो ये जो गली है, ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे आपको सूट जो है शादी के लिए, शेरवानी हो गई या फिर सूट हो गए, ब्लेजर कोट सब कुछ इधर आपको बढ़िया मिलेंगे। इधर एक शॉप है, इधर ये भसीन ब्रदर्स करके, ये बहुत अच्छी शॉप है यहाँ की, अच्छे प्राइस पे वो यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ज़्यादा अंदर तो जाऊँगा नहीं गई, बाहर से लौट रहा हूँ वापस। भीड़ बहुत ज़्यादा, अंदर से आ जाऊँगा तो निकलने में आधा घंटा लग जाएगा। तो आपको एक एक गलियाँ दिखाता हूँ यहाँ की। ये देखिए यहाँ पे एक ये शॉप है प्रकाश की कुल्फ़ी, तो मशहूर कुल्फ़ी। तो एक दिन इसका फूड व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लखनऊ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसकी, और इधर ये गुप्ता बेकर्स हो गए। तो ऐसे एक है बेकरी भी है, उसका भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा टूर करूँगा एक बार उसकी बेकरी का। कहते हैं कि 80 साल पुरानी बेकरी है वो, तो किसी दिन चलते हैं वहाँ सब। तो एक एक ब्लॉग में, किसी किसी ब्लॉग में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो सड़क के किनारे से आपको डॉल्स और सब कुछ मिल जाएगा। तो इधर गए जो है, ये पूरी जो अंदर गली जा रही है, अब यहाँ से शुरू होती है किताब कॉपी की दुकानें। हर तरीके, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी UPSC हो गया, SSC हो गया, सबकी आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड जो आपको चाहिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। इधर एक जगह अपनी बाइक खड़ी की है, वहाँ पर जा रहे हैं कुछ आप से। देख लो गाइस, यहाँ पे ऐसे किताबें बिकती हैं, कॉपियाँ बिकती हैं। देखो गाइस इधर सब सेकंड हैंड बुक्स हैं, BSc हो गया, CPMT हो गया, AME है, LLB है, BEd की किताबें। तो इधर आपको जो है जो भी सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड होती है सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, बुक्स जो भी कुछ हैं। इधर सामने शॉप है बड़ी बड़ी। यहाँ पे कार्ड की प्रिंटिंग होती है और इधर घड़ी की शॉप्स बहुत सारी हैं, घड़ी हो गया, कार्ड हो गया। यहाँ पे आप जब गाड़ी से आओ कभी, तो इधर पास ही में पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, कार पार्किंग। तो उधर आप अपनी गाड़ी लगा दो, कुछ उधर टोकन का प्राइस होता है कुछ पैसा देके, और फिर उधर अपनी गाड़ी खड़ी करके आप यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ पे पैदल ही बाजार करना है। मतलब यहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी लेकर के घुस हो जाते हो, जैसे याद हो गए हैं, पर निकलने में बड़ी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा जाम होता है। अभी ये जो आप जाम देख रहे हो भाई, ये रमज़ान का है, तो रमज़ान का महीना है, सब लोग अपना अपना शॉपिंग वॉपिंग में निकलते हैं शाम के टाइम पे।
अभी एक आदमी मिले थे तो बता रहे थे कि रमजान में भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो खैर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए जाम से निकल के चौराहे पे। तो ये जो चौराहा है यहाँ पे अशोक स्तंभ लगा हुआ बहुत बड़ा सा, और इधर से आपका हज़रतगंज हो गया, आलमबाग हो गया, फिर इधर अमीनाबाद हो गया, इधर सब जाने के रास्ते हैं। एक एक साइड से सब गलियाँ कटी हुई हैं। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। अमीनाबाद मार्केट सोचे थे पूरी घूमेंगे पर नहीं हो पाया क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जाम देख ही रहे थे आप लोग वीडियो में कैसा था। तो किसी दिन और आएंगे, अच्छे से कवर करेंगे जब कभी हो सकेगा, आगे खाली मिलेगा, खैर खाली रहता नहीं है अमीनाबाद। तो बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो अगर अच्छी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको अमीनाबाद मार्केट। इसी दिन और आते हैं तो अच्छे से कवर करेंगे, कुछ फूड ब्लॉग बनाएंगे, जैसे प्रकाश की कुल्फी आपको बताया था और उधर शर्मा जी की चाय बन रहे, तो उसका सबका फूड ब्लॉग एक अच्छा सा बना के दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ खाते और कुछ करते हैं।